एमपी के बहुचर्चित संत मिर्ची बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिर्ची बाबा को भोपाल पुलिस ने ग्वालियर के एक होटल से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बाबा पर किसी महिला ने रेप का आरोप लगाया था। इसको लेकर भोपाल के महिला थाने में धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की माने तो जिस वक्त बाबा की गिरफ्तारी हुई उस वक्त वो भागने की तैयारी में थे। आरोप है कि महिला संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए बाबा के पास आई थी, इसी दौरान उसके साथ बाबा ने गलत काम किया। ये कल रात को नगरी पुलिस भोपाल से सूचना प्राप्त हुई थी कि इस आरोपी के विरुद्ध महिला थाना भोपाल में एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध है, और जो प्राथमिक जानकारी थी उसके मुताबिक एक महिला ने भोपाल महिला थाने में ये रिपोर्ट की थी कि उसके संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए झाड़ फूंक के बहाने मीनाल रेसिडेंसी में इसने आरोपी ने उसको बुला के और उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला के दुष्कर्म किया। ये सूचना मिलने पे कि इसकी तत्काल गिरफ्तारी की जानी है, क्राइम ब्रांच की एक टीम लगाई गई थी और मीनवाइल भोपाल के एक निरीक्षक के नेतृत्व में वहाँ से भी एक टीम ग्वालियर के लिए रवाना हुई। मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल के पास से, नारायणम होटल के पास से इसको गिरफ्तार किया गया, जिसे लेके भोपाल की टीम भोपाल रवाना भी हो गई। और अभी जो जानकारी है, मॉर्निंग में इसको आरोपी को लेके टीम भोपाल पहुंच चुकी है। मिर्ची बाबा के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज होने के बाद भोपाल पुलिस टीम ग्वालियर पहुंची थी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ भोपाल पुलिस ने बाबा को कल्पी ब्रिज के पास स्थित एक होटल के पास से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मिर्ची बाबा को कांग्रेस समर्थक संत माना जाता है। लोकसभा चुनाव में मिर्ची बाबा ने दिग्विजय सिंह की जीत के लिए भोपाल में मिर्ची यज्ञ का भी आयोजन किया था। हालांकि ये बात और है कि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव हार गए थे। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।